देश में कोरोना वायरस के मामलों में पिछले कुछ समय से कमी देखी जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, साथ ही एक्टिव केस में भी कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 42,766 नए केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 45,254 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि अब तक करीब 3 करोड़ मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं, जो कि राहत की बात है। नए केस में कमी और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक होने से एक्टिव केस भी घटे हैं। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4,55,033 रह गई है, जो कि कुल मामलों का 1.48% है। रिकवरी रेट बढ़कर 97.2% पर पहुंच गया है। वही संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये साप्ताहिक आधार पर 2.34% पर है। दैनिक संक्रमण दर 2.19% पर है, जो कि लगातार 19वें दिन 3% से नीचे बरकरार है। टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। अब तक देश में कुल 42.9 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए हैं। वही देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीन की 37.21 डोज दी गई। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।